मॉर्निंग बच्चों, आज के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे चैप्टर 6 एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स का एक्सरसाइज 6.5, जिसका टॉपिक है हमारा मैक्सिमा एंड मिनिमा। और ये टॉपिक बच्चों हमारा सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 12 मैथमेटिक्स की बुक का है। बच्चों इस एक्सरसाइज में टोटल 29 नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, इसलिए बच्चों सारे क्वेश्चन अगर एक वीडियो में कवर करूंगा तो वो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए बच्चों इसके टोटल में 5 पार्ट्स बनाऊंगा। 5 पार्ट्स में ये पूरा जो है कवर होगा एक्सरसाइज। और बच्चों ये इसका पहला पार्ट है, और आज के वीडियो में हम कंसेप्ट पहले डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व करूंगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं कि हमारा मैक्सिमा और मिनिमा क्या होता है। ठीक है बच्चों, अभी तक बच्चों हम पीछे पढ़ते आए हैं फंक्शंस एंड ग्राफ, और बच्चों डेरिवेटिव्स और तमाम चीजें हम पढ़ते आए हैं बच्चों। तो मैक्सिमा और मिनिमा बच्चों फंक्शंस और ग्राफ में हमारा होता है। देखिए क्या होता है, जैसे सपोज करिए हमारे पास कोई फंक्शन दे रखा है fx इज इक्वल टू समथिंग कुछ दे रखा है, सपोज कर लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ऐसे हमने सपोज कर लिया कि हमको दे रखा है, या कोई और फंक्शन दे रखा है। ठीक है, हम इसको एग्जांपल के लिए, अब सपोज करिए इसको हम ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ देखिए कुछ इस तरीके से आया, ये देखिए कुछ ऐसे आ गया, एक हमने दूसरा फंक्शन कोई ले लिया और उसका ग्राफ देखिए कुछ इस तरीके से आया। ठीक है, ये इसका ग्राफ नहीं है, वो हमने एग्जांपल के लिया है। अब बच्चों देखिए क्या हुआ, इसकी वैल्यू जैसे जैसे हम एक्स पे बढ़ेंगे वैसे वैसे इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। और बच्चों ये देखिए एक पॉइंट ऐसा आ रहा है जहां पर बच्चों हमको इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, और बच्चों ये हमारा आता है एक्स एंड वाई, इस पॉइंट को बोलते हैं एक्स एंड वाई। ये बच्चों मैक्सिमा ऑफ होता है एक फंक्शन का या एक ग्राफ का। बच्चों यहां पर देखिए क्या हुआ, यहां पर देखिए क्या होता है, यहां पर देखिए ये एक पॉइंट ऐसा है जहां पर इस फंक्शन का मिनिमम पॉइंट हमको यहां पे मिला है, और इसको भी एक्स वाई सपोज कर लीजिए, ये होता है मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन या ग्राफ। ठीक है बच्चों, इसी को हम मैक्सिमा या मिनिमा कहते हैं। अब बच्चों देखिए क्या होता है, यहां पर दो चीज पूछी जाती है, एक तो पूछी जाती है मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट, मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट ये पूछते हैं, और बच्चों ये एक्स वाई से डिनोट किया जाता है। ठीक है, और दूसरी चीज पूछी जाती है मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू, मिनिमा वैल्यू। और बच्चों देखिए क्या होता है, पॉइंट जैसे सपोज करिए एक्स आया, तो एक्स हमारा क्या होगा, वो पॉइंट होगा, या एक्स वाई को साथ में लिख सकते हैं कि एक्स वाई वो पॉइंट है जहां पे हमको मिल रहा है मैक्सिमम वैल्यू, और बच्चों जो वाई होगा वो हमको देगा मैक्सिमम वैल्यू। क्यों देगा बच्चों, जैसे सपोज करिए हमने लिखा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, सपोज करिए ऐसे हमने लिख रखा है, तो बच्चों यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे तो एफ एक्स आ जाएगा, और वही बच्चों y होता है तो वो बच्चों हमको क्या देगा, वो हमको देगा मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू जो भी हमारा यहाँ पे होगा। अब बच्चों यहाँ पे एक बात नोट कर लीजिए, ये दो तरीके का होता है, एक तो होता है बच्चों एब्सोल्यूट मैक्सिमा, ठीक है, एंड मिनिमा, इसको नोट कर लीजिए, और दूसरा होता है लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, इस तरीके से देख लीजिए, यहां पर ये है। अब बच्चों ये क्या होता है मैं आपको बताता हूं। बच्चों फंक्शन कोई ऐसा तो है नहीं कि सिंपल सा, इतना सिंपल सा ही फंक्शन हमारे पास है, फंक्शन हमारे पास है बहुत तरीके के। ठीक है, इतने तरीके के फंक्शन है जिसको हम कभी समझ भी नहीं पाएंगे। तो बच्चों क्या होता है, कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें एक से ज्यादा मैक्सिमा या मिनिमा हमको मिलते हैं, तो बच्चों वहां पर ये कंसेप्ट यूज होता है लोकल मैक्सिमा या मिनिमा। ठीक है, देखिए क्या होता है बच्चों, सपोज करिए हमारे पास कुछ इस तरीके से एक फंक्शन है। ठीक है, देखिए कुछ इस तरीके से एक फंक्शन है, ये हमने बनाया, ऐसे गया फिर नीचे आया फिर ऐसे गया फिर और नीचे आ गया, ऐसे चला गया, कोई फंक्शन है। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर देखिए एक मैक्सिमा ये है, एक मैक्सिमा ये है, एक मैक्सिमा ए है, एक मैक्सिमा ए है, मिनिमम ये है, तो एक मिनिमम वैल्यू ये है, एक मिनिमा ये है, एक मिनिमा ये है। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, इसको इसको हम बोलेंगे मैक्सिमा। ठीक है, देखिए मैक्सिमा बोलेंगे, लेकिन बच्चों देखिए इसमें जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है ये दे रहा है, ये राजा है, तो देखिए क्या हुआ, इसको बोलते हैं हम लोग एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट मैक्सिमा। ठीक है बच्चों, और ये जो हो जाएगा ये हमारा सब होगा लोकल मैक्सिमा, ये भी होगा लोकल मैक्सिमा। ठीक है, और बच्चों ये होगा हमारा लोकल मैक्सिमा, इस तरीके से देख लीजिए, ये देखिए क्या हुआ, इसमें सबसे ज्यादा नीचे ये है, सबसे मिनिमम वैल्यू हमको ये मिल रही है, तो ये बच्चों हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट
मिनिमा, ये बच्चों हो जाएगा हमारा लोकल मिनिमा, और बच्चों ये भी होगा हमारा लोकल मिनिमा। ये देखिए इस तरीके से आ गया, ठीक है बच्चों। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा, और लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, इस तरीके से बोलते हैं बच्चों। आप एक चीज नोट कर लीजिए कि हमारा जो एब्सोल्यूट मैक्सिमा या मिनिमा होता है, मैक्सिमा या मिनिमा होता है बच्चों, इसको हम फाइंड आउट करते हैं क्लोज इंटरवल में। नोट कर लीजिए, क्लोज इंटरवल में इसको फाइंड आउट करते हैं। ये आपको पता है कि क्लोज इंटरवल क्या होता है, ठीक है। और दूसरा होता है बच्चों लोकल, ठीक है, लोकल मैक्सिमा और मिनिमा, ये बच्चों हमारा ओपन इंटरवल में जो है होता है। इस चीज को देख लीजिए, इसको ध्यान रखिएगा। आप में से जो लोग भी जो IIT वगैरह का एग्जाम देंगे वहां पे ये कंसेप्ट ज्यादा यूज होगा, उसी में आपको कंफ्यूज किया जाएगा, ठीक है बच्चों। अब चलिए देखते हैं कि इन वैल्यूज को हम निकालते कैसे हैं, ठीक। बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए इन वैल्यूज को हम निकालते कैसे हैं, तो बच्चों इसको निकालने के लिए जो है डेरिवेटिव के कंसेप्ट का यूज होता है जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। तो सपोज करिए बच्चों हमारे पास कोई फंक्शन है fx, ठीक है। सपोज करिए कोई फंक्शन हमारे पास क्या है, fx है इस तरीके से, ठीक है। fx इक्वल टू समथिंग कुछ है, तो लिए कुछ भी मान लीजिए। अब बच्चों देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए क्या करेंगे, हम निकालेंगे एफ डैश एक्स, निकाल लिया हमने। अब बच्चों एफ डैश एक्स को हम रखेंगे जीरो, इक्वल टू जीरो, चाहे कुछ भी हो जाए। अब बच्चों जब यहां से हम जीरो रखेंगे एफ डैश एक्स को, या डीवाई बाई, अगर सपोज करिए वाई दे रखा है तो बच्चों डीवाई बाई डीएक्स इसको कहेंगे, और जो भी डीवाई बाई डीएक्स आएगा हमारा उसको हम जीरो रख लेंगे। यहां से बच्चों क्या होगा, वी विल फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू बच्चों हम फाइंड आउट करेंगे, और एक्स की हमें क्या होगी, एक्स की वैल्यू मिलेगी सपोज करिए ए बी सी डी ऐसे मिली, मतलब मोर देन वन वैल्यू मिली। तो बच्चों क्या होगा कि इस एक्स की वैल्यू को इस एफ एक्स में रखेंगे, और बच्चों हमको एफ एक्स की कुछ वैल्यूज फाइंड आउट होगी। सपोज करिए माइनस टू मिली, फिर एफ एक्स की किसी वैल्यू मिली हमको 20, ठीक है, और दूसरी वैल्यू मिली हमारी एफ एक्स की मिली 10, और एफ एक्स की बच्चों ये हमारे पास आ गई इस तरीके से -10। देखिए इस तरीके से आगे हमने एग्जांपल के लिए लिया है। तो बच्चों यहां पर देखिए कहां पे मिनिमा, कहां पे मैक्सिमा, कहां पे लोकल मैक्सिमा, कहां पे मिनिमा आ रहा है सब पता लगा। देखिए क्या हुआ, मिनिमम वैल्यू -10 और -2 है, और सबसे कम ये है, तो ये बच्चों हो गया एब्सोल्यूट मिनिमा, ये हो गया लोकल मिनिमा, ये हो गया मैक्सिमा लोकल मैक्सिमा, और ये हो गया बच्चों हमारा जो है एब्सोल्यूट मैक्सिमा, ठीक है। इस तरीके से हमने निकाल लिया बच्चों। लेकिन अगर सपोज करिए एक्स की सिर्फ एक वैल्यू आती है, ये तो मल्टीपल वैल्यू ऑफ एक्स है, यहां पे क्या हुआ मल्टीपल वैल्यू ऑफ एक्स है, तो बच्चों हम ये काम कर लेंगे। लेकिन अगर हम पाते हैं सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू ऑफ एक्स की, यहां पे नोट करिए, इफ वी विल गेट only single value of x, then we use double derivative concept, ठीक है। ये और इससे सब कुछ निकल के आ जाता है। देखिए क्या होता है यहां पर बच्चों, हमें क्या हुआ कि कई वैल्यूज फाइंड आउट हुई, तो हमने कंपेयर कर लिए, ये ज्यादा है ये कम है, तो ये मैक्सिमा होगा ये मिनिमा होगा। लेकिन अगर हमको सिर्फ एक वैल्यू मिलती है तो हमको ये नहीं पता होता कि वो मैक्सिमम वैल्यू है या मिनिमम वैल्यू है। अब इसको कैसे पता करेंगे ये देखिए। देखिये यहां पर क्या होता है कि सबसे पहले हमने क्या किया, एक फंक्शन लिया एफ एक्स, उसका निकाला एफ डैश एक्स, और बच्चों इस एफ डैश एक्स को हमने क्या किया, रख दिया जीरो में, ठीक है। यहां से बच्चों हमको क्या मिली, x की वैल्यू मिली सिंगल वैल्यू, ठीक है, सिंगल वैल्यू ऑफ x हमको मिली। मल्टीपल भी मिल सकती, वहां पर भी ये कंसेप्ट जो है अप्लाई होगा, लेकिन सिंगल वैल्यू पे ज्यादा परफेक्टली अप्लाई होता है। अब बच्चों देखिए क्या हुआ, फिर हमने क्या किया कि यहां पे निकाला f डबल डैश x, ठीक है, और बच्चों फिर इसको हमने रुक दिया। अब जब f डबल डैश x की वैल्यू निकालेंगे और x की इस सिंगल वैल्यू को इसमें पुट करेंगे, तो देखिए क्या होगा, तीन कंडीशन बनेगी। f डबल डैश x आएगा हमारा पॉजिटिव,
एफ डबल डैश एक्स आएगा हमारा निगेटिव, और या फिर एफ डबल डैश एक्स आएगा हमारा जीरो। ये तीन कंडीशन हमारी बनती है। और बच्चों इसमें क्या होता है, इसमें देखिए अगर ये पॉजिटिव आता है तो हमें मिल रहा है मिनिमा, अगर ये निगेटिव आता है तो बच्चों हमें मैक्सिमम वैल्यू या मैक्सिमम पॉइंट दोनों मिल रही है, और बच्चों अगर ये जीरो आता है तो नो मैक्सिमा एग्जिस्ट, मतलब कोई भी मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है। बच्चों ये वो पूरा कंसेप्ट है जो हम इस पूरी एक्सरसाइज में अप्लाई करेंगे। काफी सिंपल कंसेप्ट है, थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद जो है हम जो है परफेक्ट हो जाएंगे। तो चलिए बच्चों जो कुछ भी बातें छोटी मोटी इसमें रह गई कंसेप्ट बताने में, मैं वो आपको वही बताऊंगा जब क्वेश्चन करवाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बच्चों ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सरसाइज का, और इस क्वेश्चन में चार पार्ट है 1, 2, 3, 4। और बच्चे इसमें पूछा गया है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन गिवन बाय दिस। ठीक है बच्चों, हमको बच्चे चार फंक्शन दिए हुए हैं और उसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो देखिए बच्चों पहला फंक्शन हमारा क्या है, वो है बच्चों एफ एक्स इज इक्वल टू 2x-1 का होल स्क्वायर प्लस 3। अब बच्चों हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसका निकालेंगे f डैश x, और देखिए वो क्या आएगा, वो आएगा 2x-1। और बच्चों इसका dy by dx एक बार और होगा 2x-1 का, और बच्चों प्लस ये जीरो हो जाएगा। तो बच्चों देखिए क्या आ जाएगा, 2x-1 × 2 ये आ जाएगा बच्चों, ये आ गया हमारा f डैश x। अब बच्चों अगला स्टेप है कि हम एफ डैश एक्स को जीरो लेंगे, तो देखिए क्या होगा, ये हो गया 4 2x-1 = 0, यानी कि हो गया बच्चों 2x-1 = 0, यहां से आया क्या x = 1/2। बच्चों मैंने अभी जब आपको कंसेप्ट बताया था तो ये बात यहाँ पे बताई थी कि बच्चों जब x की वैल्यू सिर्फ एक आती है तो बच्चों फिर हमारे पास एक ही रास्ता होता है कि हम f डबल डैश x निकालें। तो देखिए क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे क्या हुआ, f डैश x हमारा आया है 4 2x-1, देखिए इस तरीके से आ गया। अब बच्चों इसको हम लिखेंगे तो ये आ जाएगा 8x-4, ये आ गया बच्चों f डैश x, और बच्चों f डबल डैश x आएगा वो बच्चों आ जाएगा 8 का मतलब हुआ बच्चों कि ये पॉजिटिव है। ठीक है, ये हुआ पॉजिटिव। अब बच्चों जब हमारा f डबल डैश x पॉजिटिव आता है तो बच्चों उस पॉइंट पे फिर क्या एग्जिस्ट करता है, वो मिनिमा एग्जिस्ट करता है। इस तरीके से देख लीजिए, मिनिमा एग्जिस्ट करता है। अब बच्चों यहां पर क्या होगा, हम वैल्यू निकालेंगे कि हमारा मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो बच्चों उसमें रखेंगे तो देखिए क्या हुआ, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x-1 का होल स्क्वायर प्लस 3। बच्चों देखिए यहाँ पे हम x की जगह रखेंगे 1/2, तो 1/2 - 1 और स्क्वायर प्लस 3 ऐसे आ गया, तो 2 से 2 कटा, 1-1 = 0 हो जाएगा और प्लस 3। तो बच्चों मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स क्या हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स वो बच्चों होगी हमारी 3। ये बच्चों होगा इसका आंसर। ठीक है बच्चों, ये आ गया, पहले हमने जो एफ डैश एक्स निकाला उससे पॉइंट निकाला, फिर एफ डबल डैश एक्स निकाला, एफ डबल डैश एक्स से हमको ये पता लगा कि हमारा ये मिनिमा है या मैक्सिमा है। तो बच्चों यहाँ पे मिनिमा आया। अब बच्चों मिनिमम वैल्यू निकालेंगे तो ओरिजिनल फंक्शन में इस वैल्यू को रखेंगे तो हमारी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। अब बच्चों मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूं कि बच्चों इस चैनल पे मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूं क्लास 9, 10th, 11th, 12th और IIT और JEE के लिए बच्चों फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ। ठीक है, आप जो है कोई भी कंटेंट सर्च करके देख सकते हैं। आपको करना क्या है बच्चों, आपको करना क्या है कि टॉपिक का नाम आप डालिए और उसके साथ मेरा नाम डाल दीजिए आदर्श अग्रवाल, आपके सामने वीडियो आ जाएगा, आप देख सकते हैं। जैसे फिजिक्स का देखना है तो बच्चों फिजिक्स का देखिए थर्मोडायनामिक्स आपको देखना है तो थर्मोडायनामिक्स, और फिर मेरा नाम आदर्श अग्रवाल, आपके सामने बच्चों वो वीडियो आ जाएगा, आप देख सकते हैं। कोई भी टॉपिक आप डाल दीजिए, एक्सरसाइज के नाम से डाल दीजिए, किसी भी तरीके से उसके साथ मेरा नाम डाल दीजिए, आपके सामने मेरा वाला वीडियो आ जाएगा। चलिए अब बच्चों हम करते हैं इसका सेकेंड क्वेश्चन है बच्चों इसका कि एफ एक्स इज इक्वल टू 9x² + 12x + 2। इस तरीके से बच्चों हम क्या निकालेंगे, f डैश x निकालेंगे, तो बच्चों आ जाएगा 18x + 12। देखिए हमारे पास इस तरीके से आ गया। अब बच्चों हम क्या करेंगे, f डैश x को रखेंगे 0,
तो बच्चों क्या हो गया 18x प्लस 12 इक्वल टू 0, एक्स आ गया बच्चों माइनस 12 बाई 18 और बच्चों ये आ गया हमारा माइनस 3, ये कटेगा ये हमारा 4 से, सॉरी 3 से कटेगा, तो 3 से कटेगा तो 4 और आएगा ये 6 से काट देते हैं तो 6 से आ गया 2/3। देखिए इस तरीके से आ गया, यानी x इक्वल टू माइनस 2/3 पे हमारा जो है मिनिमा या मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है। अब मिनिमा है या मैक्सिमा है उसके लिए बच्चों हम निकालेंगे एफ डबल डैश एक्स। तो एफ डबल डैश एक्स इसे निकालेंगे तो देखिए क्या होता है, सबसे पहले हम यहां लिखते हैं एफ एक्स, सॉरी एफ डैश एक्स लिखते हैं। एफ डैश एक्स हमारा है 18x प्लस 12, तो बच्चों क्या हुआ एफ डबल डैश एक्स क्या होगा, वो होगा 18। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये आया है पॉजिटिव, तो बच्चों यहां पे हमारा क्या होगा मिनिमा मिलेगा हमको। ठीक है, यानी कि x इक्वल टू माइनस 2/3 पे हमको मिनिमा मिलेगा। अब बच्चों ये मिनिमा वैल्यू क्या होगी वो जो हम यहाँ पे रख के निकालेंगे, तो एफ एक्स इक्वल टू क्या आ गया, ये आ गया 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2। तो देखिए क्या हुआ 9 इंटू माइनस 2/3 का होल स्क्वायर प्लस 12 इंटू माइनस 2/3 प्लस 2, तो बच्चों क्या हुआ 9 इंटू 4/9 और प्लस ये देखिए काट देंगे इसको 4, तो ये हो गया 4 इंटू 2 माइनस 8 प्लस 2 ऐसे आ गया, ये गया कट, तो बच्चों यहां पे जो आ रही 4 6 माइनस 2, तो बच्चों मिनिमम वैल्यू क्या आई वो आई माइनस 2। तो बच्चों क्या हुआ मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस 2, इसका आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, इसका आंसर हो गया और क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। अब बच्चों हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। ठीक है, थर्ड पार्ट करते हैं, तो बच्चों थर्ड पार्ट है हमारा एफ एक्स इक्वल टू माइनस क्या है, देखिए थर्ड पार्ट है एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 10। ये देखिए इस तरीके से आ गया बच्चों, सबसे पहले हम निकालेंगे इसका एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स निकालने से पहले इसको जो है हम एक्सपेंड कर लेते हैं, हटाइए, एफ एक्स आ गया हमारा माइनस ये वाला लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 और बच्चों प्लस 10 ऐसे आ गया, बच्चों ये आ गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 प्लस 10, यानी कि आ गया ये हमारा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x और बच्चों प्लस 9, ये हुआ बच्चों हमारा एफ एक्स। ठीक है, अब बच्चों हम निकालेंगे एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स आएगा माइनस 2x प्लस 2। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से आ गया। अब देखिए क्या होगा कि हम एफ डैश एक्स को जीरो रखेंगे, तो बच्चों इसको हम जय करेंगे एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो, यानी कि माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो, यानी कि क्या हुआ x इज इक्वल टू आया 1। ठीक है, x इक्वल टू 1 आया। अब बच्चों देखिए क्या हुआ एफ डैश एक्स आया माइनस 2x प्लस 2। देखिए बच्चों ये x इक्वल टू 1 एक ऐसा पॉइंट है जहां पे हमको मैक्सिमा या मिनिमा वैल्यू मिलेगी। अब बच्चों मैक्सिमा होगा या मिनिमा वो बच्चों हम इसका एफ डबल डैश एक्स करके निकालेंगे, तो एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू माइनस 2। बच्चों निगेटिव आया है इसका मतलब हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा मैक्सिमा। ठीक है बच्चों, अब ये मैक्सिमा वैल्यू क्या होगी उसके लिए बच्चों हम इसका यूज करेंगे, तो देखिए क्या हुआ एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9, ये लिखा हमने तो माइनस और ये बच्चों हो गया 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 और प्लस 9, तो बच्चों आया माइनस 1 प्लस 2 प्लस 9, तो बच्चों ये आ गया हमारे पास 10, यानी मैक्सिमा वैल्यू हुई हमारी 10। ये बच्चों हमारे क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हम करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में है जी एक्स इजकल टू एक्स क्यूब प्लस 1। ठीक है, तो बच्चों यहां पे देखिए इसका फोर्थ पार्ट है जी एक्स इजकल टू एक्स क्यूब प्लस 1 ये वाला। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हम इसका निकालेंगे जी डैश एक्स, तो बच्चों जगह 3x स्क्वायर, जी डैश एक्स को हम रखेंगे 0, तो बच्चों 3x स्क्वायर इक्वल टू 0, तो बच्चों x बराबर 0, यानी x बराबर 0 पर हमको मैक्सिमम मिनिमम कुछ मिलेगा। तो बच्चों अब देखिए क्या हुआ, यहां पर लिखेंगे जी डैश एक्स और बच्चों ये आ गया हमारा 3x स्क्वायर, तो बच्चों जी डबल डैश एक्स ये हमारा हो जाएगा 6x। अब बच्चों अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए उसमें क्या था कि हमारा नेगेटिव पॉजिटिव साफ साफ आ जा रहा था,
अब बच्चों यहाँ पर x लगा है इसलिए निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा हम नहीं पता कर सकते ऐसे। तो बच्चों x की जो वैल्यू आई है उसको हम यहाँ रखेंगे। तो देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, जब हम यहाँ वैल्यू रखेंगे तो 6 × 0 यानी कि g" x हमारा आ गया 0। और बच्चों मैंने जब अभी कंसेप्ट बताया था आपको, तो बात बताई थी कि जब हमारा g" x की वैल्यू जो है 0 आ जाए तो बच्चों फंक्शन की जो है ना तो मिनिमम वैल्यू होती है ना मैक्सिमम होती है। तो यहां पे आ जाएगा नाइदर मिनिमम नॉर मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है बच्चों, ये बच्चों इसका हो गया आंसर और इसी के साथ बच्चों क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों ये देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा एक्सरसाइज का और बच्चों इसमें दिया है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन गिवन बाय। बच्चों हमको 5 फंक्शन यहाँ पे दे रखे हैं और इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। बच्चों यहाँ पर जरा ध्यान से देखिएगा तो बच्चों यहाँ पर जो है हमारा वैल्यू है वो सारी की सारी वैल्यू अधिकतर जो है वो आ रही है मॉडुलस फंक्शन में। अब मॉडुलस फंक्शन का जो है कंसेप्ट हम थोड़ा अलग तरीके से अप्लाई करते हैं, ये वैसे नहीं होगा जैसे अभी पिछला क्वेश्चन किया था क्योंकि मॉडुलस फंक्शन का डेरिवेटिव हमने अभी नहीं सीखा है। तो बच्चों देखिए क्या होगा, सबसे पहला फंक्शन है हमारा f(x) = x + 2 mod -1। देखिए इस तरीके से हो गया। अब बच्चों मॉड के अंदर की जो वैल्यू होती है वो बच्चों क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है। मॉड के जो वैल्यू आती है वो बच्चों पॉजिटिव होता है, यानी कि बच्चों क्या हुआ कि हमारा जो है मॉड एक्स प्लस टू जो है वो ऑलवेज हमारा ग्रेटर देन जीरो होगा। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा क्योंकि या तो वो जीरो आएगी या बच्चों पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। तो बच्चों यहां पर देखिए इस तरीके से ये हमारा आएगा। अब बच्चों देखिए क्या होता है कि अब हमको इसको बनाना है बच्चों ये वाला फंक्शन, तो हम क्या करेंगे बच्चों दोनों तरफ से ठीक है -1 हम बच्चों इसमें से घटा देंगे। अब देखिए क्या हो गया, ये हो गया x+2 ठीक है, x+2 का मॉड -1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1, ये देखिए आ गया। अब बच्चों ये क्या चीज है, ये आ गया fx। तो देखिए fx क्या हो गया, वो ग्रेटर देन इक्वल टू -1 हो गया। मतलब क्या हुआ कि बच्चों इसकी एक वैल्यू तो -1 होगी जो कि मिनिमम होगी और बच्चों उसके बाद ये इनफाइनाइट तक जाएगी। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, fx की जो मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू वो बच्चों आएगी हमारी -1 और बच्चों मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू वो बच्चों इनफाइनाइट होगी जिसको हम बोलते हैं डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, इनफाइनाइट हमारे किसी की मैक्सिमम वैल्यू, इसकी वैल्यू जाएगी वो बच्चों कुछ इस तरीके से आएगी। ठीक है बच्चों, तो देखिए हमारे पास जो है ये क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसका सेकंड पार्ट करते हैं। तो सेकंड पार्ट में देखिए क्या दे रखा है, gx = -(mod x+1) ठीक है, देखिए इस तरीके से हो गया। तो बच्चों यहां पर देखिए क्या हुआ, ये आ गया gx = -(mod x+1) - (mod x+1) + 3, देखिए इस तरीके से आ गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसको भी उसी तरीके से करेंगे। तो बच्चों देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिखेंगे mod(x+1) और बच्चों इसकी वैल्यू जाएगी, वो बच्चों वैल्यू आएगी हमारी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो क्योंकि मॉड की वैल्यू पॉजिटिव आती है। तो देखिए क्या हुआ, x+1 का मॉड इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब बच्चों इसमें माइनस लगा है तो दोनों तरफ माइनस लगा दीजिए, x+1 का मॉड ठीक है। अब देखिए क्या होगा, हमने यहां पर इस तरीके से माइनस लगा दिया, इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पर जो रिजल्ट आएगा वो बच्चों ये आएगा कि ये हमारा जो है इस तरीके से रिवर्स हो जाता है। ठीक है, तो देखिए ये हमारे पास आ गया। अब बच्चों देखिए क्या होगा, यहां पर बच्चों माइनस ये देखिए ऐसे हो गया, बच्चों इसमें +3 है तो बच्चों हम +3 इधर कर देंगे और बच्चों -1 और +3 ये हो गया। ठीक है बच्चों, यह -mod(x+1) + 3 इज लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है बच्चों, अब बच्चों देखिए ये वो fx, ये जो है देखिए gx यहाँ पे दे रखा है तो ये हो गया बच्चों gx। तो gx इज लेस देन इक्वल टू 2 यानी gx की वैल्यू क्या होगी, या तो 2 होगी या 2 से इधर जाएगी। ठीक है, तो बच्चों gx की जो वैल्यू आएगी उसका इंटरवल बनेगा -∞ से 2 जिसमें 2 इंक्लूडेड होगा और ये नहीं होगा, यानी इसकी मिनिमम वैल्यू -∞ पे होगी और मैक्सिमम वैल्यू बच्चों आएगी हमारी 2 पे। तो बच्चों क्या हुआ, मिनिमम वैल्यू जो होगी वो होगी बच्चों डज नॉट एग्जिस्ट,
डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि इन्फिनिटी वाली एग्जिस्ट नहीं करती, और मैक्सिमम वैल्यू जो होगी, मैक्सिमम वैल्यू वो आएगी बच्चों हमारी टू। ठीक है बच्चों, इस तरीके से ये हमारा जो है कंप्लीट हो गया। अब बच्चों हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में देखिए क्या लिखा हुआ है। थर्ड पार्ट में देखिए हमारे पास क्या है, थर्ड पार्ट में है एच एक्स इज इक्वल टू, इसका लिखते हैं थर्ड पार्ट वो आता है बच्चों एच एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ टू एक्स प्लस फाइव। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों यहां पर साइन का फंक्शन देखिए, तो बच्चों साइन थीटा जो होता है वो बच्चों हमारा जो होता है हमेशा माइनस वन और वन के बीच में इसकी वैल्यू होती है, चाहे थीटा की वैल्यू कोई भी हो, फोर एक्स हो, टू एक्स हो, थ्री एक्स हो, कितना भी एक्स हो, तो बच्चों हमेशा माइनस वन और वन के बीच में होगा। तो बच्चों इसी को स्टडी करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, यह जाएगा साइन ऑफ टू एक्स इज बिटवीन वन एंड माइनस वन। देखिए यहां पे आ गया वन एंड माइनस वन। ठीक है, देखिए इस तरीके से हो गया। अब बच्चों हम क्या करते हैं, यहां पे यहां पे यहां पे तीनों जगह फाइव फाइव ऐड कर देंगे, माइनस वन प्लस फाइव इज ग्रेटर देन इज लेस देन साइन टू एक्स प्लस फाइव इज लेस देन, ठीक है, वन प्लस फाइव। देखिए इस तरीके से आ गया। अब बच्चों साइन टू एक्स प्लस फाइव, साइन टू एक्स प्लस फाइव क्या है, एच एक्स है, तो बच्चों एच एक्स देखिए हमारे पास कहां आ रहा है, ये बच्चों आ रहा है सिक्स और बच्चों फोर के बीच में। ठीक है, तो बच्चों देखिए क्या, वो एच एक्स हमारा सिक्स और फोर के बीच में आएगा, तो बच्चों एच एक्स की मिनिमम वैल्यू फोर हो गई, मैक्सिमम सिक्स हो गई, तो बच्चों यहां पे लिखिए मिनिमम वैल्यू और बच्चों वो हो गई फोर, और मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू वो आ गई सिक्स, ये बच्चों होगा इसका आंसर। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों हम करते हैं इसके बाद ये वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर बहुत ईजी है बच्चों, इसमें लॉजिक लग रहा है, कैलकुलेशन बहुत कम है। ठीक है, लेकिन आपको प्रीवियस नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सा फंक्शन हमारा कहां जाता है। देखिए बच्चों ये आ गया फोर्थ, फोर्थ वन है हमारा वो है बच्चों एफ एक्स इज इक्वल टू साइन फोर एक्स प्लस थ्री का मॉड, साइन फोर एक्स प्लस थ्री का मॉड। अब बच्चों अभी मैंने आपको बताया कि साइन फोर एक्स की वैल्यू कहां होगी, वन और माइनस वन के बीच में होगी। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां 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 हम तीन तीन जोड़ देंगे, तो माइनस वन प्लस थ्री इज लेस देन इक्वल टू साइन फोर एक्स प्लस थ्री इज लेस देन इक्वल टू वन प्लस थ्री। तो बच्चों देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टू, ये बच्चों हमने लिखा है ऐसे साइन ऑफ फोर एक्स प्लस थ्री, और ये आ गया बच्चों फोर। अब बच्चों हम इसका मॉड लेंगे, इसका मॉड लेंगे, इसका मॉड लेंगे, तो बच्चों देखिए क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ टू इज लेस देन इक्वल टू साइन ऑफ फोर एक्स प्लस थ्री, ठीक है, और लेस देन फोर का थ्री। अब देखिए बच्चों ये आएगा हमारा पॉजिटिव, ठीक है, ये बच्चों देखिए ये हमारे पास ये एफ एक्स हो गया, तो बच्चों एफ एक्स हम इसको ऐसे लिख देंगे, ये हो गया बच्चों फोर, यानी फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू है वो टू है, मैक्सिमम वैल्यू फोर है, तो बच्चों यहां पे आप लिख सकते हो मिनिमम वैल्यू वो है बच्चों टू, मैक्सिमम वैल्यू वो है बच्चों हमारी फोर। ये हो गया बच्चों इसका आंसर, खत्म। अब बच्चों हम करते हैं इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर फिफ्थ। ठीक है, तो बच्चों फिफ्थ में देखिए क्या है, फिफ्थ में है हमारा फिफ्थ में है एच एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। ठीक है, और बच्चों यहां पे एक्स बिलोंग्स टू माइनस वन से वन ओपन इंटरवल। अब देखिए बच्चों यहां पे क्या चीज है, बच्चों यहां पर मॉड का फंक्शन नहीं है, साइन का फंक्शन नहीं है बच्चों, यानी कि हम इसको उस मेथड से कर चुके हैं जो हमने पहले क्वेश्चन में जो है अप्लाई किया था। तो बच्चों हम यहां क्या करेंगे, हम यहां पे निकालेंगे एच डैश एक्स, तो एच डैश एक्स कितना आ गया वन। ठीक है बच्चों, यहां पे इसकी कोई वैल्यू एक्स की आई दे रही है। अब बच्चों फिर हम क्या करते हैं, एच डैश एच डबल डैश एक्स निकाल देते, आ गया जीरो। अब बच्चों जब हमारा डबल डेरिवेटिव जीरो आ जाता है, तो बच्चों सिंपल सी बात होती है कि बच्चों फंक्शन का नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, ये होता है इसका आंसर। और बच्चों यही बच्चों इसका हो गया आंसर, और ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। और अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री। बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री है बच्चों, और इस क्वेश्चन में दिया है फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, फाइंड आल्सो द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा वैल्यूज एज द केस मे बी। ठीक है बच्चों, बच्चों यहां पर हमको टोटल आठ पार्ट दिए हुए हैं, जिसमें से मैंने अभी चार आपके सामने लिखे हैं, उसमें से बच्चों इसमें लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा का पॉइंट निकालना है और बच्चों उसकी वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं, तो देखते हैं कैसे होगा।
तो बच्चे देखिए सबसे पहले क्या हुआ, पहला क्वेश्चन हमारा एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, हम क्या करेंगे सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालेंगे, ये आ गया बच्चों 2x, फिर हम क्या करेंगे 2x को जीरो रखेंगे तो x इक्वल टू जीरो। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या हुआ, यहां पर क्या हुआ कि हमारा x इक्वल टू जीरो पे हमको मैक्सिमा या मिनिमा मिलेगा। अब मैक्सिमा या मिनिमा मिलेगा तो इसमें से क्या होगा, ये करने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे, तो डबल डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स ये आ जाएगा हमारा 2। 2 का मतलब क्या हुआ कि ये हमारा पॉजिटिव है। ठीक है, पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ कि यहां पर बच्चों हमको मिनिमम वैल्यू मिलेगी, मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स मिलेगी एट एक्स इक्वल टू। ठीक है, तो बच्चों हमारा क्या हुआ कि हमारा क्या हुआ पॉइंट क्या हुआ मिनिमम पॉइंट क्या हुआ हमारा वो हुआ बच्चों एक्स इक्वल टू जीरो। अब बच्चों क्या हुआ मिनिमम वैल्यू देखिए क्या होगा, मिनिमम वैल्यू हमारी क्या होगी, देखिए एफ एक्स क्या है हमारा वो है बच्चों हमारे पास एक्स स्क्वायर, तो बच्चों आ गया जीरो स्क्वायर, तो बच्चों ये आ गया जीरो। तो मिनिमम वैल्यू जो है हमारी, मिनिमम वैल्यू वो है बच्चों हमारी जीरो। खत्म हो गया क्वेश्चन बच्चों, ये सिंपल सा क्वेश्चन था। अब बच्चों चलिए करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट भी देखिए बिल्कुल सेम इसी तरीके से है, लेकिन इसमें थोड़ा सा हमारा जो है इस बार एक्स की एक से ज्यादा वैल्यू आएंगी। तो चलिए देखिए, देखते हैं बच्चों क्या होता है यहाँ पे। सब देखिए, हमने सबसे पहले फंक्शन लिखा, फंक्शन है हमारा जी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, जी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स, देखिए इस तरीके से आ गया। तो बच्चों हम इसका करेंगे डेरिवेटिव, तो जी डैश एक्स आ जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री। फिर बच्चों क्या होता है इसको हम जीरो रखते हैं, तो आ गया देखिए थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, यानी कि बच्चों क्या हो गया कि हो गया एक्स स्क्वायर थ्री एक्स स्क्वायर इक्वल टू थ्री, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन, यानी एक्स की वैल्यू आ गई प्लस माइनस वन। देखिए इस तरीके से आगे। अब बच्चों क्या होगा कि हमारे पास दो पॉइंट आए, ठीक है, एक आया एक्स इक्वल टू वन और एक आया एक्स इक्वल टू माइनस वन। अब देखिए बच्चों कहां पे मिनिमम है कहां पे मैक्सिमम है ये हमको निकालना है, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे, तो जी डैश एक्स क्या हो गया वो हो गया बच्चों थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, तो जी डबल डैश एक्स क्या हो गया वो बच्चों हो गया सिक्स एक्स। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या हुआ एट एक्स इक्वल टू वन, ठीक है एक्स इक्वल टू वन पे क्या होगा कि जी डबल डैश एक्स की वैल्यू आएगी सिक्स इंटू वन, तो आ गया सिक्स जी डबल डैश एक्स। तो बच्चों ये है हमारा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव होता है तो यहां पर बच्चों हमको मिनिमम वैल्यू मिलेगी, ये हो गया। अब बच्चों देखिए क्या हुआ एट एक्स इक्वल टू माइनस वन जी डबल डैश एक्स, ये बच्चों क्या होता है सिक्स एक्स, तो सिक्स इंटू माइनस वन बराबर माइनस सिक्स, तो जी डबल डैश एक्स इक्वल टू ये आ गया निगेटिव। तो बच्चों निगेटिव जब आता है हमारा डबल डेरिवेटिव तो वहां पे बच्चों हमारी आती है मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसको पूरा नोट कर लीजिए। अब बच्चों देखिए हम क्या करते हैं, हम मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं, तो देखिए क्या आती है। तो बच्चों क्या हुआ एट एक्स इक्वल टू वन हमें क्या मिल रहा है मिनिमम, ठीक है, तो बच्चों मिनिमम वैल्यू जो होगी हमारी, मिनिमम वैल्यू होगी वो बच्चों होगी हमारी एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स। तो बच्चों हम क्या करेंगे एक्स इक्वल टू वन, तो बच्चों हमने लिखा वन क्यूब माइनस थ्री इंटू वन, तो बच्चों आ गया वन माइनस थ्री यानी कि आ गया माइनस टू। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम निकालेंगे इसकी जो है मैक्सिमम वैल्यू, तो देखिए क्या हुआ एट एक्स इक्वल टू माइनस वन, ठीक है हमें क्या मिल रहा है मैक्सिमम, तो देखिए क्या हुआ मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे बच्चों, तो मैक्सिमम वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स, तो एक्स क्यूब क्या आ रहा है माइनस वन, तो बच्चों हमने किया माइनस वन का बच्चों क्यूब माइनस थ्री इंटू माइनस वन, तो आ गया माइनस वन और बच्चों प्लस थ्री, तो बच्चों देखिए क्या हुआ ये आ गया प्लस टू। तो ये बच्चों हमारी आ गई मैक्सिमम वैल्यू, सिंपल सी बात थी ऐसे निकाल देंगे। ठीक है बच्चों, अब इसमें बच्चों हमें फंक्शन की नॉलेज होनी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज होनी चाहिए। अब देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन जो है उसमें ट्रिग्नोमेट्री का हमारा लगेगा, इसको नोट कर लीजिए पूरा अच्छी तरीके से। अब बच्चों देखिए क्या होगा, इसके बाद जो है हमारा क्वेश्चन नंबर, इसका पार्ट नंबर थर्ड है, उस पार्ट को देखिए। ठीक है, पार्ट को देखिए, पार्ट नंबर थर्ड, पार्ट नंबर थर्ड में क्या दे रखा है एच एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और बच्चों एक्स जो है वो हमारा पाई बाई टू से जीरो के बीच में बिलोंग कर रहा है। अब बच्चों चलिए वही प्रोसीजर, सेम प्रोसीजर एच डैश एक्स इज इक्वल टू,
ये हो जाएगा बच्चों cos x माइनस साइन x, इसका डेरिवेटिव करेंगे। अब बच्चों मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए, पॉइंट निकालने के लिए ये क्या होगा cos x माइनस साइन x इक्वल टू जीरो, यानी कि क्या हो जा रहा है हमारे पास आ रहा है साइन x इक्वल टू cos x, इसको हम नीचे लाएंगे तो बच्चों हो जाएगा साइन x अपॉन cos x इक्वल टू वन, यानी कि बच्चों क्या हो गया tan x इक्वल टू वन, यानी कि बच्चों हो गया tan x इक्वल टू tan पाई बाई फोर, और बच्चों x की वैल्यू आ गई पाई बाई फोर। x की सिंगल वैल्यू आई है, हमको ये नहीं पता कि ये हमारा जो है मैक्सिमा देगा या मिनिमा देगा, तो बच्चों इसके लिए बच्चों हम क्या करेंगे इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे। तो देखिए क्या हुआ, एच डैश एक्स इजकल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, तो बच्चों एच डबल डैश एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ऑफ साइन एक्स एंड माइनस ऑफ कॉस एक्स। ये देखिए इस तरीके से आ गया। अब बच्चों हम यहां पर इसकी निकालेंगे कि निगेटिव है पॉजिटिव, वो निकालेंगे एक्स इजकल टू पाई बाई फोर पे। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, यहां हमने लिखा निगेटिव, कॉमन लिया, अंदर हो गया साइन पाई बाई फोर और प्लस कॉस पाई बाई फोर, ये देखिए ऐसे लिखा, तो बच्चों हो गया माइनस वन बाई रूट टू प्लस वन बाई रूट टू, ये अंदर आ गया। तो बच्चों देखिए एच डबल डैश एक्स जो है वो आ रहा है हमारा निगेटिव, यानी कि निगेटिव होने पे हमको यहाँ पे मैक्सिमा मिलेगा, ठीक है, यानी x इक्वल टू पाई बाई फोर पे हमको मैक्सिमम मिलेगा। अब देखिए बच्चों एक बात यहाँ नोट करने वाली थी कि हमारा x जो था जीरो से पाई बाई टू के बीच में था, तो देखिए x पाई बाई फोर आया जो कि जीरो से पाई बाई टू के बीच में है। अब बच्चों हम निकालेंगे इसकी जो है वैल्यू, मैक्सिमम मैक्सिमम मिला है तो मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी वो बच्चों हम क्या करते हैं ओरिजिनल फंक्शन में देते हैं। तो देखिए एच एक्स इक्वल टू क्या है हमारा, वो है बच्चों हमारा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो साइन ऑफ पाई बाई फोर प्लस कॉस ऑफ पाई बाई फोर, तो बच्चों हो गया वन बाई रूट टू प्लस वन बाई रूट टू, तो ये देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टू बाई रूट टू और इसकी वैल्यू आ जाएगी रूट टू। तो बच्चों ये हमारी होगी मैक्सिमम वैल्यू, नोट कर लीजिए पूरी तरह अच्छी तरीके से, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। अब चलिए हम करते हैं इसका फोर्थ पार्ट, ये वाला, ठीक है फोर्थ पार्ट। तो बच्चों फोर्थ पार्ट भी देखिए इसी तरीके से है, बस उसमें थोड़ा सा हमारा रेंज बदल गया है और फंक्शन बदल गया है, तो ट्रिग्नोमेट्री की आपको अच्छी सी नॉलेज होनी चाहिए। तो देखिए क्या हुआ यहाँ पे फोर्थ पार्ट है बच्चों, फंक्शन एफ एक्स इजकल टू साइन ऑफ एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स, और बच्चों एक्स क्या हुआ टू पाई, और बच्चों ये आ गया जीरो, ठीक है एक्स हमारा टू पाई और जीरो के बीच में होगा। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहां निकालेंगे एफ डैश एक्स जो कि आएगा हमारा कॉस एक्स, साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स, और बच्चों यहां पे देखिए आ गया प्लस ऑफ साइन एक्स, तो क्या हो गया बच्चों कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल टू जीरो, क्योंकि हम एफ डैश एक्स को जीरो रखते हैं। तो बच्चों देखिए यहां पे क्या हो जाएगा हमारा, अगर हम निकालेंगे तो साइन एक्स बराबर माइनस कॉस एक्स, ठीक है, यानी कि क्या हुआ माइनस ऑफ साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इक्वल टू वन, माइनस ऑफ टेन एक्स इक्वल टू वन, यानी कि बच्चों टेन एक्स इक्वल टू माइनस वन आ गया। अब देखिए बच्चों यहां पे क्या होगा, यहां पे देखिए थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री यूज होगा, एक्स इक्वल टू माइनस टेन ऑफ पाई बाई फोर, वन की जगह रख दिया। अब बच्चों यहां पर दो कंडीशन बनती है, देखिए कंडीशन क्या बनती है, एक तो देखिए होता है टेन ऑफ पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस टेन थीटा, और दूसरा बच्चों बनता है टेन ऑफ टू पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस टेन थीटा, ठीक है दोनों में बच्चों माइनस आता है, तो बच्चों हम यहां पे दोनों यूज करेंगे। तो देखिए क्या होगा, ये आएगा बच्चों देखिए टेन एक्स, तो बच्चों आ जाएगा टेन ऑफ, ठीक है पाई माइनस पाई बाई फोर, एक तो ये आया बच्चों, ठीक है तो यहां से एक्स की वैल्यू आ गई पाई माइनस पाई बाई फोर, यानी कि एक्स इक्वल टू आ गया थ्री पाई बाई फोर, इसको नोट कर लीजिए ऐसे, ठीक है। दूसरी वैल्यू बच्चों इसके हिसाब से निकालेंगे, तो देखिए क्या हुआ टेन एक्स इक्वल टू यहां पे आएगा टेन टू पाई माइनस पाई बाई फोर, ठीक है इस फॉर्मूले के हिसाब से बच्चों क्या हुआ, यहां थीटा है पाई बाई फोर तो देखिए आ गया, तो बच्चों यहां पे x आ गया वो आ गया 2 पाई माइनस पाई बाई फोर, यानी कि बच्चों आ गया 7 पाई बाई फोर, ये x की दो वैल्यूज हमको मिल गई, ठीक है बच्चों।
अब देखिए बच्चों हम क्या करते हैं, x की इन दो वैल्यू को यहाँ पे नोट कर लेते हैं। तो x की एक वैल्यू आई पाई माइनस पाई बाई फोर यानी कि 3 पाई बाई फोर, x की दूसरी वैल्यू आई 2 पाई माइनस पाई बाई फोर यानी कि बच्चों 7 पाई बाई फोर। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या हुआ, मैक्सिमा मिनिमा का पॉइंट हुआ। अब बच्चों हमको ये बात पता नहीं है कि इन पॉइंट पे हमारा मैक्सिमा मिलेगा या मिनिमा मिलेगा, यह बात हमको नहीं पता है। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे कि हम इसका करेंगे डबल डेरिवेटिव इसका। देखिए क्या होगा, एफ डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स कॉस का होगा माइनस ऑफ साइन एक्स, और बच्चों ये क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, ये प्लस हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव आएगा बच्चों हमारे पास कॉस एक्स, साइन का कॉस, ये कॉस का माइनस साइन एक्स। ठीक है, ठीक है, देखिए इस तरीके से आ गया। अब बच्चों क्या करेंगे, देखिए हम इन पॉइंट पे इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले आएगा एट x इज इक्वल टू पाई माइनस पाई बाई फोर, या हम लिखे और 3 पाई बाई फोर। तो देखिए क्या हुआ, f डबल डैश x इज इक्वल टू क्या है, वो है माइनस साइन ऑफ x प्लस कॉस ऑफ x। तो देखिए क्या होगा, माइनस साइन ऑफ ये लिख देंगे दोनों से, इसको लिख देते हैं पाई माइनस पाई बाई फोर प्लस बच्चों कॉस ऑफ पाई माइनस पाई बाई फोर। ये देखिए हमारे पास इस तरीके से आ गया। अब बच्चों ये आएगा माइनस साइन ऑफ पाई बाई फोर, क्योंकि साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा, वो हमने लिख दिया। और बच्चों यहां पर देखिए आएगा, ये आएगा बच्चों माइनस ऑफ कॉस पाई बाई फोर, देखिए इस तरीके से आ गया। ठीक है, तो बच्चों देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस वन बाई रूट टू, और बच्चों ये भी हो जाएगा माइनस वन बाई रूट टू। तो ओवरऑल आया निगेटिव, तो एफ डबल डैश एक्स आया निगेटिव, तो बच्चों ये हमें मिलेगा मैक्सिमम। ठीक है, तो बच्चों यहां पर देखिए हमको क्या मिल रहा है, हमको इस पॉइंट पे मिल रहा है मैक्सिमम, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब बच्चों देखिए क्या हुआ, अब हम क्या करते हैं दूसरे पॉइंट पे देखते हैं कि हमको क्या मिलता है, मैक्सिमम मिलता है, मिनिमम मिलता है, लोकल मैक्सिमम क्या मिलता है, इसको देखते हैं। तो बच्चों ये एफ डबल डैश आ गया, तो बच्चों अब देखिए लिखिए एट एक्स इज इक्वल टू टू पाई माइनस पाई बाई फोर और सेवन पाई बाई फोर। ठीक है, सेवन पाई बाई फोर, देखिए क्या हो, एफ डबल डैश एक्स सेवन पाई बाई फोर हम निकालेंगे यहां पे, तो बच्चों आएगा माइनस साइन ऑफ, ये लिख देते हम टू पाई माइनस पाई बाई फोर, और बच्चों प्लस कॉस ऑफ टू पाई माइनस पाई बाई फोर, ये आ गया। ठीक है, अब बच्चों यहां पे क्या होगा माइनस, अब बच्चों टू पाई माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो हमने लिखिए माइनस पाई बाई फोर। ठीक है, प्लस अब बच्चों ये क्या होगा, ये हमारा होगा कॉस टू पाई माइनस थीटा, वो होता कॉस थीटा, तो आ गया कॉस पाई बाई फोर। ठीक है, अब देखिए क्या हो गया, ये हो गया बच्चों साइन पाई बाई फोर और प्लस कॉस पाई बाई फोर, तो बच्चों ये आ गया वन बाई रूट टू प्लस वन अपॉन रूट टू, तो बच्चों आ गया टू बाई रूट टू यानी कि रूट टू। तो बच्चों एफ डबल डैश पाई बाई फोर ये आया बच्चों हमारे पास पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आने पे बच्चों हमको क्या मिलता है, तो ये बच्चों हमको मिलता है मिनिमा। ठीक है, अब बच्चों चलिए हम निकालते हैं इसकी वैल्यू, मैक्सिमा और मिनिमा की वैल्यू निकालते हैं। देखिए हमारा पॉइंट आया, ठीक है पॉइंट क्या है, थ्री पाई बाई फोर पे हमको मिलेगा मैक्सिमम, सेवन पाई बाई फोर पे मिलेगा मिनिमम। अब बच्चों देखिए सबसे पहले हम निकालते हैं बच्चों मैक्सिमम, तो मैक्सिमम क्या आएगा एट x इज इक्वल टू थ्री पाई बाई फोर, तो बच्चों देखिए fx क्या है, fx है हमारा साइन ऑफ x माइनस कॉस ऑफ x, तो थ्री पाई बाई फोर को बच्चों हम ये भी लिख सकते हैं, तो बच्चों हमने यहां पे लिख दिया साइन ऑफ पाई माइनस पाई बाई फोर और बच्चों माइनस कॉस ऑफ पाई माइनस पाई बाई फोर, साइन पाई बाई फोर माइनस दिस ये होगा बच्चों साइन पाई। ठीक है, और बच्चों ये क्या होगा, ये होगा माइनस, और बच्चों ये हमारा हो जाएगा माइनस ऑफ नहीं साइन पाई बाई फोर होगा ये, ठीक है साइन पाई बाई फोर, और ये बच्चों होगा माइनस कॉस ऑफ पाई बाई फोर, तो ये बच्चों हो गया वन बाई रूट टू, और बच्चों ये हो जाएगा प्लस वन बाई रूट टू, तो आंसर आ जाएगा इसका टू बाई रूट टू यानी कि अंडर रूट टू। ये बच्चों इसका क्या हुआ मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो बच्चों यानी दीजिए मैक्सिमम वैल्यू जो है वो आई रूट टू। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हम निकालते हैं मिनिमम,
तो देखिए क्या हुआ, मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू 7π/4 और 2π-π/4 ये आ गया। ठीक है, तो बच्चे देखिए हम वैल्यू फंक्शन की वैल्यू करेंगे, तो एफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स, तो साइन ऑफ ये रखेंगे वैल्यू, तो 2π-π/4 माइनस कॉस ऑफ 2π-π/4 ये आ गया इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहां पर जो आ रहा है ये क्या होता है, साइन 2π-θ, ये होता है बच्चों माइनस साइन थीटा, तो आएगा माइनस साइन ऑफ π/4 और बच्चों माइनस ये देखिए आया, कॉस 2π-θ होता है बच्चों हमारे पास कॉस थीटा, तो बच्चों आ जाएगा कॉस π/4। ठीक है, तो बच्चों देखिए -1/√2 ये क्या है बच्चों, -2/√2 यानी क्या आ जाएगा -√2, ये बच्चों आ गया हमारा मिनिमम वैल्यू। तो बच्चों देखिए क्या हो, मिनिमम वैल्यू ये आई है और मैक्सिमम वैल्यू बच्चों देखिएगा ये मैक्सिमम वैल्यू है हमारे पास। ठीक है, और ये आई है मिनिमम वैल्यू, सिंपल है, थोड़ा सा लंबा था क्योंकि इसमें एक्स की हमें एक से ज्यादा वैल्यू मिली थी। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का 5। बच्चों अब हम करते हैं पांचवा क्वेश्चन देखिए हमारे पास है 5th नंबर और ये है बच्चों एफ एक्स इज इक्वल टू x³ - 6x² + 9x + 15। ये देखिए इस तरीके से बच्चों हम देखिए इसका निकालेंगे एफ डैश एक्स और ये आएगा हमारा 3x² - 12x और बच्चों +9 ये आ गया। अब बच्चों हम क्या करते हैं कि एफ डैश एक्स को रखते हैं 0, तो बच्चों हमने लिख दिया 3x² - 12x + 9 = 0। तो बच्चों देखिए इसमें से 3 कॉमन है तो हम ले लेंगे x² - 4x + 3 = 0, तो बच्चों 3 हट जाएगा तो हो जाएगा x² - 4x + 3 = 0। बच्चों इसका जब हम निकालेंगे फैक्टर तो आएगा x-1 और आएगा x-3 और बच्चों बराबर 0, यानी x की एक वैल्यू आएगी 1 और दूसरी वैल्यू आएगी x की वो आएगी 3। अब बच्चों हमको यहाँ x की दो वैल्यू मिल रही है, अब हमें देखना है कि किस पे हमारा मैक्सिमा है और किस पे मिनिमा है। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए बच्चों इसके लिए क्या करेंगे, हम निकालेंगे एफ डबल डैश एक्स। तो बच्चों सबसे पहले हमने लिखा एफ डैश एक्स और ये जो आया है हमारा ये आया है 3x² - 12x + 9। हम बच्चों एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा 6x - 12, ये देखिए इस तरीके से आ गया। अब बच्चों देखिए एक बार इसको हम x = 1 पे चेक करेंगे, तो बच्चों क्या हुआ एट x = 1 एफ डबल डैश एक्स वो देखिए क्या होगा 6 × 1 - 12, देखिए क्या आ गया 6 - 12 यानी -6 और बच्चों ये क्या हुआ एट x = 3, तो देखिए क्या होगा एफ डबल डैश एक्स ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 × 3 - 12, तो बच्चों आ गया ये हमारा +6। तो बच्चों देखिए यहां पे क्या होगा, यहां पे निगेटिव आ रहा है यानी कि यहां पर हमको मिलेगा मैक्सिमा, यहां पर देखिए पॉजिटिव आ रहा है, यहां पे हमको मिलेगा मिनिमा, सिंपल सी बात। अब देखिए बच्चों हम क्या करेंगे, मैक्सिमा और मिनिमा की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए क्या हुआ, मैक्सिमा हमारा कहां मिला है, मैक्सिमा मिला है एट x = 1 पे। ठीक है, मैक्सिमम मिला है एट x = 1 पे, तो देखिए मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, एफ एक्स हमारा था x³ - 6x² + 9x + 15 ये था, तो बच्चों यहाँ 1 रखेंगे तो 1³ - 6 × 1² + 9 × 1 + 15, तो देखिए हो गया 1 - 6 + 9 + 15 ये आ गया इस तरीके से। और बच्चों यहां पर देखिएगा 25 - 6 यानी कि ये हमारा आ रहा है 15 और 10 25 - 6 ये आ रहा है 19, तो बच्चों हमारा क्या हुआ मैक्सिमम वैल्यू जो है वो आ रही है 19। अब देखिए हम निकाल रहे हैं मिनिमम, तो ये है एट x = 3, तो बच्चों ये आ गया fx = x³ - 6x² + 9x + 15, ये देखिए इस तरीके से आ गया। बच्चों देखिए 3 पे कितना आ रहा है, ये हो गया 3³ = 27 - 6 × 9 = 54 और बच्चों +9 × 3 यानी कि आ गया ये देखिए हमारे पास 27 और ये आया +15, देखिए इस तरीके से आ गया।
तो देखिए बच्चों ये हमारा कितना आ रहा है, देखिए 27 27 54 कट जाएगा, तो बच्चों आया 15। तो बच्चों मिनिमम वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 15। बच्चों इस तरीके से ये बच्चों फिफ्थ पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं इसका सिक्स पार्ट। तो बच्चों पार्ट नंबर 6 भी ऐसे ही होगा, बस बच्चों इन क्वेश्चंस में हमारा कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा है लेकिन कंसेप्ट पूरा का पूरा वही अप्लाई हो रहा है। तो बच्चों देखिए सिक्स पार्ट में क्या है, सिक्स पार्ट है जीएक्स इक्वल टू एक्स बाई टू। ठीक है, देखिए सिक्स पार्ट में क्या है, जी एक्स इक्वल टू एक्स बाई टू प्लस टू बाई एक्स, और बच्चों एक्स हमारा है ग्रेटर देन जीरो, देखिए कंडीशन दी हुई है। अब बच्चों देखिए यहां पे हम निकालेंगे जी डैश एक्स, तो जी डैश एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 और बच्चों प्लस 2 × -1/x² देखिए ऐसे आ जाएगा, और ये आ जाएगा 1/2 − 2/x² और जी डैश एक्स ही आ गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या करेंगे, हम इसको जीरो रखेंगे, ये आ गया 1/2 − 2/x² = 0। ठीक है, तो देखिए क्या हो गया, ये हो जाएगा बच्चों 2/x² = 1/2। ठीक है, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बच्चों आ जाएगा हमारा x² = 4, यानी x की एक वैल्यू आई बच्चों +2 और x की वैल्यू आई -2। अब बच्चों यहां पर दे रखा है कि x ग्रेटर देन 0 है, तो बच्चों हम इसको छोड़ देंगे, सिर्फ बात करेंगे x = 2 की। ठीक है, अब बच्चों देखिए क्या हुआ, जी डैश एक्स जो आया हमारा वो था ये 1/2 − 2/x². अब बच्चों इसके लिए हम क्या करेंगे, जी डबल डैश एक्स निकालेंगे, तो देखिए क्या होगा 0 − 2 / ये देखिए क्या हो जाएगा 0, इसको जब करेंगे हम तो इसका तो देखिए हो गया 0, फिर लिखा -2 इधर आ गया। बच्चों यहां पे देखिए d/dx ऑफ x की पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहां पे क्या आएगा, ये आएगा -2 याला फिर −2 और x की पावर -3 हो जाएगा, तो बच्चों क्या -4/x³, ये आ गया जी डबल डैश एक्स। ठीक है, अब बच्चों देखिए हमको क्या लेना है, हमको यहां पे लेना है पॉजिटिव वैल्यू, यानी x = 2 लेना है। तो x = 2 पे जब वैल्यू बच्चों हम यहां पे निकालेंगे तो देखो क्या −4/2³, यानी कि आ गया निगेटिव, यानी निगेटिव आने का मतलब होता है कि हमको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो पॉइंट हमारा क्या हुआ, x = 2 पे हमको मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। ठीक है, तो बच्चों अब देखिए हम क्या करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए क्या हुआ, मैक्सिमम वैल्यू एट x = 2, ये देखिए इस तरीके से आ रहा है, और बच्चों ये देखिए क्या हो जाएगा, जी एक्स इजकल टू एक्स बाई टू प्लस 2/x, ऐसे हो गया। तो बच्चों 2/2 + 2/2 तो हो गया 1+1, और ये देखिए हमारे पास आया मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जी एक्स, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जी एक्स वो बच्चों आ गई हमारी 2, ये बच्चों हुआ इसका आंसर। ठीक है, नोट कर लीजिए बच्चों। अब हम करते हैं इसका सेवन पार्ट ही रहा। तो बच्चों देखिए जी एक्स इक्वल टू इतना है, तो बच्चों हम निकालेंगे इसका जी डैश एक्स। तो देखिए क्या हो जाएगा, इसमें हम यू बाई वी वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, तो बच्चों हो जाएगा x² + 2 और बच्चों यहां पे इसका आएगा 0 और माइनस इधर आएगा बच्चों, और वो आएगा बच्चों 1 × 2x, ऐसे हो जाएगा डिवाइडेड बाई x² + 2 होल स्क्वायर, देखिए इस तरीके से आ गया। अब बच्चों जो ये आ रहा है फाइनली वो आ रहा है बच्चों −2x / x² + 2 होल स्क्वायर, ये आ गया बच्चों देखिए जी डैश एक्स। अब बच्चों देखिए क्या होगा, जी डैश एक्स को हम जीरो रखेंगे तो देखिएगा −2x / x² + 2 होल स्क्वायर = 0, यानी कि आ जाएगा −2x = 0, यानी कि x = 0, देखिए इस तरीके से आ गया। ठीक है, अब देखिए बच्चों क्या हुआ, अब हम क्या करेंगे, ये हमें पॉइंट मिला। अब बच्चों देखिए क्या होगा, हम निकालेंगे जी डबल डैश एक्स, तो जी डैश एक्स क्या हो गया, ये हो गया −2x / x² + 2 होल स्क्वायर, देखिए इस तरीके से आ गया। ठीक, अब बच्चों देखिए क्या है, हम इसको करेंगे सॉल्व। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आता है। ठीक है, तो देखिए बच्चों क्या हुआ, ये हो जाएगा x² + 2 होल स्क्वायर और बच्चों यहां पर जाएगा d/dx ऑफ −2x, देखिए ऐसे आ गया, फिर माइनस और बच्चों फिर आएगा बच्चों −2x और ये आएगा बच्चों हमारा d/dx ऑफ x² + 2 होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई बच्चों ये देगा x² + 2 होल स्क्वायर, ठीक है इस तरीके से आ गया।
तो बच्चे जो आ रहा है उसको जरा ध्यान से देखिए, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस टू का होल स्क्वायर इंटू माइनस टू, देखिए इस तरीके से आया, ठीक है बच्चों। और देखिए इधर इधर माइनस माइनस प्लस हो रहा है, तो हमने लिख दिया प्लस टू एक्स। बच्चों देखिए इसको जब हम करेंगे इंटीग्रेट डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस टू, और बच्चों इसके बाद यहाँ पे टू एक्स और आ जाएगा, देखिए इस तरीके से ये हमारे पास आ गया, ठीक। डिवाइडेड बाई क्या है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस टू का पावर फोर, देखिए ये यहाँ पे फोर आएगा, ठीक है पावर फोर यहाँ पे इस तरीके से आ गया, ठीक। अब बच्चों देखिए यहाँ पे जो आ रहा है इसको हम बड़े कायदे से लिखते हैं, संभल के लिखते हैं, तो देखिए क्या हुआ, ये आ जाएगा माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस टू का होल स्क्वायर, ये आ गया। और बच्चों टू 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 ये हो गया बच्चों प्लस टू यानी एट एक्स स्क्वायर, ये आया बच्चों हमारे पास एट एक्स स्क्वायर, और बच्चों यहां पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू का दिस, और डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस टू की पावर फोर, ये देखिए इस तरीके से आ गया, ठीक है यहां पे आ गया। अब बच्चों इसको हम फाइनली सॉल्व करेंगे, यहां भी गार्ड रहा हूं इस तरीके से, तो बच्चों देखिए क्या होगा यहां पे, इसको देखिएगा जी डबल डैश एक्स जो होगा वो बच्चों का एक्स स्क्वायर प्लस टू यहां से आ जाएगा कॉमन इस तरीके से, और ये आएगा बच्चों माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस टू, ये आया ऐसे, और बच्चों यहां पे आ रहा है प्लस एट एक्स स्क्वायर, ये आया ऐसे, इसको ब्रैकेट में बंद कीजिए, और नीचे हमने बच्चों यहां पे लिख लिया एक्स स्क्वायर प्लस टू की पावर फोर, देखिए ये गया कट, ये पावर हो गई थ्री, ठीक। अब बच्चों यहां पे जो आ रहा है वो देखिए क्या होगा, ये आया बच्चों माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस टू, और बच्चों प्लस एट एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस टू की पावर थ्री, ये देखिए बच्चों आ गया हमारा जी डबल डैश एक्स। अब बच्चों हम इसको करेंगे चेक, ठीक है चेक करेंगे एट एक्स इक्वल टू जीरो, तो देखिए क्या हुआ, हम लिखेंगे यहाँ पे एट एक्स इक्वल टू जीरो, तो देखिए क्या आ जाएगा जी डबल डैश एक्स, देखिए क्या हुआ, यहां लिखा माइनस टू जीरो प्लस टू, और बच्चों प्लस एट इंटू जीरो, और नीचे आ जाएगा जीरो प्लस टू का होल क्यूब, ठीक है। तो देखिए क्या हो रहा है, माइनस टू इन देखिए माइनस टू इंटू टू, तो ये हो गया बच्चों माइनस फोर डिवाइडेड बाई नीचे आ रहा है एट, ठीक है। तो बच्चों ये आया हमारे पास माइनस वन बाई टू, और ये आया है हमारा निगेटिव, निगेटिव का मतलब हमें मिलेगा मैक्सिमम, ठीक है निगेटिव का मतलब हमको मैक्सिमम मिलेगा। तो बच्चों ये हमारा आ गया कि हमको एट एक्स इक्वल टू जीरो मैक्सिमम मिल रहा है, तो मैक्सिमम वैल्यू बच्चों हम निकालेंगे, तो बच्चों मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जी एक्स एट एक्स इक्वल टू जीरो, बच्चों जी एक्स हमारा क्या है, वो है वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू, तो बच्चों ये हो गया वन बाई टू, ये होगी बच्चों मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है ये हमारा देखिए क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसमें बच्चों जी डबल डैश एक्स निकालना थोड़ा सा टिपिकल काम था, ठीक है बच्चों। बच्चों अब हम करते हैं इसका एट पार्ट, एट पार्ट देखिए ये है बच्चों, अब हम निकालेंगे इसका सबसे पहले एफ डैश एक्स, और एफ डैश एक्स क्या आएगा, वो आएगा एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ वन माइनस अंडर रूट एक्स ऑफ प्लस, ये आ गया इस तरीके से, ये आ जाएगा फिर वन माइनस एक्स का अंडर रूट और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, देखिए ऐसे आएगा। तो बच्चों ये आ जाएगा एक्स इंटू वन बाई टू वन माइनस एक्स, और बच्चों इसका एक बार और करेंगे तो बच्चों जाएगा माइनस यहां पर, और बच्चों प्लस वन माइनस अंडर रूट एक्स, देखिए ऐसे आ गया, ठीक है। तो बच्चों जाएगा माइनस एक्स प्लस टू वन माइनस एक्स, और बच्चों ये आ जाएगा हमारे पास टू वन माइनस एक्स का अंडर रूट, ठीक है बच्चों। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा टू माइनस थ्री एक्स अपॉन टू वन माइनस एक्स का अंडर रूट, ये आ गया बच्चों एफ डैश एक्स, ठीक है। अब बच्चों इसको जीरो के बराबर रखेंगे तो एक्स की वैल्यू मिलेगी, तो बच्चों देखिए क्या हो जाएगा, एक्स ये जो हमारा निकल के आएगा, ये हमने लिखा टू माइनस थ्री एक्स अपॉन टू वन माइनस एक्स बराबर जीरो, तो बच्चों टू माइनस थ्री एक्स इजकल टू जीरो, तो एक्स इजकल टू टू बाई थ्री। बच्चों ये वो पॉइंट है जहां पर हमको मैक्सिमा या मिनिमा वैल्यू मिलेगी, मैक्सिमा मिनिमा क्या होगा उसके लिए बच्चों हम निकालेंगे इसका एफ डबल डैश एक्स। तो बच्चों एफ डबल डैश एक्स जब हम निकालेंगे तो बच्चों काफी लंबा कैलकुलेशन है, मैं इसको डायरेक्टली लिख दे रहा हूं, हमने निकाल रखा है, तो आएगा माइनस ट्वेंटी टू प्लस ट्वेंटी वन एक्स अपॉन
16 1 माइनस एक्स की पावर 3 बाई 2। देखिए ये निकल के आएगा जब आप इसका निकालोगे एफ डबल डैश एक्स इस कारण से, ठीक है। तो देखिए ये दिया गया। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इसको एक्स बराबर 2 बाई 3 पे चेक करेंगे, ठीक है। तो देखिए बच्चों क्या आता है, बच्चों हमने यहाँ पे किया माइनस 22 प्लस 21 इंटू 2 बाई 3 और बच्चों ये जगह 16 1 माइनस 2 बाई 3 का ये पावर 3 बाई 2, ठीक है। देखिए ये आ गया एफ डैश एक्स, ये आ गया इस तरीके से। बच्चों देखिए क्या हुआ, हमने इसको चेक किया, तो चेक किया देखिए ये कट जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 7, ठीक है। और नीचे देखिए बच्चों अंदर पॉजिटिव आ रहा है, तो बच्चों देखिए क्या होगा, एफ डबल डैश एक्स में जब एक्स 2 बाई 3 पे रखेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा, ये आएगा माइनस 22 प्लस 14 डिवाइडेड बाई 16 और 1 बाई 3 की पावर 3 बाई 2। तो बच्चों देखिए क्या हो जाएगा, माइनस 8 अपॉन 16 1 बाई 3 की पावर 3 बाई 2, देखिए गया कट। तो देखिए क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस 1 अपॉन 2 और 1 बाई 3 की पावर 3 बाई 2, ये आ गया बच्चों एफ डबल डैश एक्स। तो बच्चों देखिए क्या आया, ये बच्चों हमारा नीचे वाला पॉजिटिव का ऊपर 1, तो आ गया बच्चों निगेटिव, यानी बच्चों हमको एट एक्स इजकल टू 2 बाई 3 मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। ये बात यहां से क्लियर हो गई, इसको नोट कर लीजिए, काफी बड़ा कैलकुलेशन है इसलिए मैंने यहां पे नहीं करवाया, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों हम क्या करेंगे, हम अब निकालेंगे मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इजकल टू 2 बाई 3, क्या लिखिए, मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इजकल टू 2 बाई 3। देखिए क्या हुआ, एफ एक्स इजकल टू क्या है, एफ एक्स इजकल टू आया है हमारा एक्स 1 माइनस इसका अंडर रूट, तो बच्चों एक्स की जगह हम रखेंगे 2 बाई 3, 1 माइनस 2 बाई 3 ऊपर से अंडर रूट लगेगा, तो बच्चों क्या 2 बाई 3 और ये आ गया 1 बाई 3 का अंडर रूट, ठीक है बच्चों। अब जैसा आपकी किताब में लिखा हुआ आंसर वैसा मैं कर देता हूं इसको। तो बच्चों इसमें हमने इसको 3 बाई 3 से भाग किया, तो ऊपर देखिए क्या हो गया, ये हो गया 2 बाई 3, ये आ गया 3 और नीचे आ गया 3, ऐसे आ गया। तो बच्चों इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9, तो आ गया 2 रूट 3 अपॉन 9, ये बच्चों हो गया हमारा मैक्सिमम वैल्यू, क्या हो गया, मैक्सिमम वैल्यू। और बच्चों मैक्सिमम पॉइंट जो हमको मिला, मैक्सिमम पॉइंट वो बच्चों हमारा मिला 2 बाई 3, ठीक बच्चों। तो बच्चों इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हुआ और इसी के साथ बच्चों ये वीडियो भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम मिलेंगे इस वीडियो के सेकंड पार्ट में, अगले वीडियो में, जहां पर बच्चों हम इस एक्सरसाइज के और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बच्चों हम मिलते हैं अगले वीडियो में, ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।